हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द काइट पोम, जो कि है लेसन नंबर 2 की. सो लेट्स सी हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. इन दो लाइंस का मतलब ये है कि एक नई काइट जब नीले आसमान में उड़ती है तो वो कितनी सुंदर लगती है. विद अ डाइव एंड अ डिप इट्स स्नैप्स इट्स टेल, मतलब लहरें जैसे ऊपर नीचे जाती हैं वैसे ही पतंग जब हवा चलती है आसमान में तो इधर उधर घूमती हुई हिलती हुई अपनी स्नैप करती है टेल को, मतलब टेल को झटका देती है और टेल लहराने लगती है. टेल मतलब काइट की पूंछ. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, एक ही सेल से जैसे नाव चलती है सेलिंग करती है वैसे ही ये जो काइट है ये एक ही सेल से एक शिप की तरह सोर करती हुई आसमान में सबसे ऊंची पहुंच जाती है, सबसे ऊपर पहुंच जाती है. एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, जो हवा की लहरें चल रही होती हैं उनको पार करती हुई ये आसमान के एकदम टॉप पे पहुंच जाती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, चोटी पर पहुंच जाती है एक झटके से, जैसे ही आप उसको पुल करते हो खींचते हो तो वो और ज़्यादा ऊपर उड़ने लगती है. जैसे ही हम काइट तो सबने उड़ाई होगी, आपने देखा होगा जैसे कि आप काइट को छोड़ोगे, जैसे आपने ढील दी तो वो थोड़ी ऊंची चली जाएगी, पुल करोगे तो वो प्रेशर से नीचे आ जाएगी. देन सीम्स टू रेस्ट एज वन फॉल्स, और जैसे ही हवा एकदम से रुकती है तो वो ऐसे लगता है कि काइट जो है वो एकदम आसमान में रेस्ट पे चली गई है, एकदम स्टिक हो गई है. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस, और तब तक वो रन नहीं करती जब तक कि नई हवा नहीं आती है, और जैसे ही हवा आती है तो वो फिर ऊपर उड़ने लगती है, लहराने लगती है, अपनी टेल को स्नैप करने लगती है. एंड इट्स विंग्स फिल एंड गोज अप इट गोज, और जैसे ही हवा तेज़ चलती है तो वो फिर से अपने विंग्स को उस एनर्जी से भर लेती है और फिर से आसमान में टॉप पे जाने लगती है. सो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, तो कितनी सुंदर लगती है ना एक नई काइट जब वो आसमान में उड़ती है. बट रैगडो थिंक यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री. रैगेडो का मतलब होता है कि बहुत ही गंदी भद्दी अगर कोई चीज़ है जैसे पतंग है वो टूटी हुई है फटी हुई है, तो जब वो आसमान में आपको उड़ती हुई तो दिखेगी नहीं, लेकिन किसी पेड़ पे अगर वो अटकी हुई दिखेगी तो आप उससे अट्रैक्ट नहीं होगे, आप उस काइट को देखना भी पसंद नहीं करोगे. तो यहाँ पे लास्ट में यही मेंशन किया हुआ है कि जब वो एक धागे से एक स्ट्रिंग से टॉप ऑफ द ट्री के टॉप पे जब लटकी हुई होगी तो हम उस चीज़ को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब एक काइट न्यू होती है और जब वो आसमान में उड़ती है तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है. तो ये पूरा पोम थी ये वाली, इसको हम इंग्लिश में पोम या पोएम भी बोलते हैं. आई होप आपको समझ में आ गई होगी. एंड ये हैरी बेन ने लिखी है, सो ये ज़रूर आपने याद रखना है इंटरनल क्वेश्चंस में कि काइट जो पोएम है वो किसने लिखी है एंड हैरी बेन ने कौन सी पोएम लिखी है. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए.